मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तू मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब तू अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है। क्योंकि अगर मुझे जान जाता तो मेरी बहन की परछाई से भी खौफ खाता। तू एक समय भड़ुआगिरी करता था, छोटे बड़े नेताओं के पास लड़कियां सप्लाई करके धंधा किया। उसके बाद तेरा संपर्क अंडरवर्ल्ड से हुआ। तेरा असली नाम करीम है और तेरी नजर पूरे भारत पे राज करने की है, जो मैं होने नहीं दूंगा। क्या सही बोला ना? मेरी बहन तुझे पसंद करती है, इसलिए अभी तक खामोश हूं, वरना आज तक किसी कुत्ते की जरूरत नहीं हुई इस तरह बात करने की। सीधे सीधे बोल, मेरी बहन का पीछा छोड़ने का क्या लेगा तू? लूंगा नहीं, बस खेलूंगा। क्या? केबीसी मतलब? भाईजान, कौन बनेगा करोड़पति? तीन सवाल पूछूंगा, अगर तीनों का सही जवाब दिए तो तुम करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन हां, हम तुरे बहिन के भतार बने ख्वाब छोड़ देंगे। ज्यादा सोच मत, आसान सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा और लाइफलाइन भी। मंजूर है। पहला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे तेरे जैसे से यही उम्मीद थी, क्योंकि तुझ जैसों की औकात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अरे इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र मोदी। वाह, गुड। दूसरा सवाल, हम लोग जहां हैं यानी मुंबई, ये किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं। है, लगता है तो केबीसी नहीं, मजाक मजाक खेल रहा है। अरे इसका जवाब भी पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वो तो है, फिरोज काफी इंटेलिजेंट है। चलो अब आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देना। चंगेज कहां है? बस भाईजान, बोले तो अभी इसे ठोक दो। क्या बक रहा है तू? शायद तुम सुन नहीं पाए, चंगेज खान कहां है? ऑप्शन है मुंबई, सिंगापुर, मलेशिया या पाकिस्तान। भाईजान, लाइफलाइन यूज कर सकते हो, अगर जवाब नहीं मालूम तो। लाइफलाइन यूज नहीं, तेरी लाइफ को फ्यूज करूंगा मैं।